हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। सो गाइस, मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इज ऑनलाइन एमसीए इज गुड और बैड, क्या ऑनलाइन एमसीए आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। सो गाइस, अगर आप ऑनलाइन एमसीए परस्यू कर रहे हैं या अगर आप ऑनलाइन एमसीए परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं या आप करना चाहते हैं ऑनलाइन एमसीए, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिन स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने ऑनलाइन एमसीए को एज अ रेगुलर प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन एमसीए, आप कहीं भी जाएंगे अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको मैटर नहीं करता कि आपने डिग्री ऑनलाइन मोड में ली है या डिस्टेंस मोड में ली है। तो चलिए, हम आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करें कि ऑनलाइन एमसीए क्या होता है, आप कैसे ऑनलाइन एमसीए को परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए, हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री मोड की। हम डिग्री मोड यहाँ पे देख लेते हैं कि डिग्री का मोड क्या है। डिग्री का मोड आपका आइदर रेगुलर हो सकता है या फिर ऑनलाइन या डिस्टेंस हो सकता है। तो आपका डिग्री रेगुलर या डिस्टेंस हो, ये कोई मैटर नहीं करता अगर आपके पास स्किल्स हो। अगर आपने स्किल्स को लर्न किया है, आपने स्किल्स को डेवलप किया है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो या एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो या और भी कोई भी स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स है तो डिग्री मैटर नहीं करती कि आपने रेगुलर से किया है या डिस्टेंस से किया है। एंड उसके बाद आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए अपने एमसीए में। एंड अगर आप एमसीए कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग आनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपने बीसीए में प्रोग्रामिंग पहले की होगी, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है, तो इसमें आपको क्या करना है, जावा या पाइथन, या आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं, या फिर आप जावा या पाइथन को भी, दोनों को कर सकते हैं। आप जावा या पाइथन में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कर सकते हैं। आइदर आप C++ भी करना चाहें तो वो भी आप प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप ऑनलाइन डिग्री परस्यू कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन डिग्री परस्यू कर रहे हैं, नो मैटर आपका डिग्री ऑनलाइन है या डिस्टेंस है, तो आपको स्किल्स को डेवलप करना होगा। आपको स्किल्स को डेवलप करना होगा तभी आप ऑनलाइन मोड की डिग्री से एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। लाइक वेब डेवलपमेंट, मैंने जैसा कि आपको बताया एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, या आप कोई और भी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, लाइक आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। सो बहुत सारी स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स, जिनको आप डेवलप करके एक अच्छी जॉब ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन एमसीए। सो ऑनलाइन एमसीए होता क्या है, गवर्नमेंट ने इसको बोला है, यूजीसी ने, कि ऑनलाइन एमसीए जो है वो आपका रेगुलर के इक्विवेलेंट होगा। ऑनलाइन एमसीए आपका रेगुलर डिग्री जो होती है उसके इक्विवेलेंट होगा। तो नो मैटर, आपका डिग्री तो इक्विवेलेंट है रेगुलर के, बट बहुत सारी कंपनीज, टॉप एमएनसीज जो है, लाइक विप्रो हो गया, ठीक है, विप्रो है, टीसीएस है, एंड एसेंचर है, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज आप जानते होंगे, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपके ऑनलाइन मोड की डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करती है। बट अगर आपके पास जॉब प्लस डिग्री, जॉब प्लस डिग्री का मतलब क्या हो गया, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस हो एंड कंप्लीट एजुकेशन, आप अपनी अगर एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं अलॉन्ग विथ योर जॉब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन भी आपका साथ में कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि आपने क्या किया, आपकी डिग्री जो है, आपकी डिग्री ऑनलाइन मोड से चल रही है, ठीक है, अपने डिग्री ऑनलाइन मोड से चल रही है एंड आफ्टर बीसीए आप क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया जॉब प्लस डिग्री, आपके पास जॉब भी हो गई एंड डिग्री भी हो गई। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एमसीए की डिग्री है वो वर्थ इट हो जाती है, वो नो मैटर कि आपकी डिग्री रेगुलर है या इक्विवेलेंट है, आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस भी है एंड आपके पास डिग्री भी है, तो वो डिग्री आपकी बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि आपको ऑनलाइन एमसीए में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, आपका डिग्री मोड कोई भी मैटर नहीं करता आज के टाइम में, डिग्री नो मैटर, अभी के टाइम में डिग्री नो मैटर, डिग्री कहीं से भी हो, किसी भी मोड से हो, किसी भी कॉलेज से हो, डिग्री कोई मैटर नहीं रखती। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, अमेज़न वेब सर्विसेज हो, या कुछ भी हो, क्लाउड हो, या आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो, आप प्रोग्रामिंग जावा फुल स्टैक कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, या आप मर्न स्टैक कर रहे हैं, आप कोई भी टेक्नोलॉजीज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप उसको करिए, आप स्किल्स को डेवलप करिए, क्योंकि आपके पास जब तक स्किल्स नहीं होगी, अगर आपने रेगुलर डिग्री भी की है, अगर आपने रेगुलर डिग्री भी परस्यू की है, तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप जॉबलेस ही रहेंगे, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आप ऑनलाइन एमसीए कर रहे हैं तो आपको माइंड में चार चीज़ें रखनी पड़ेंगी, कि डिग्री मोड रेगुलर हो या डिस्टेंस हो, नो मैटर, आपको स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी, लाइक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मर्न स्टैक डेवलपमेंट या मीन स्टैक डेवलपमेंट, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन या C++, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेगी। एंड अगर आप अपने ऑनलाइन एमसीए के बाद कोई अच्छे से जॉब, अच्छे से प्लेसमेंट क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको जॉब प्लस डिग्री वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जॉब प्लस डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करने का मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी बीसीए को कंप्लीट किया या बीएससी आप कर रहे हैं, आप उसके बाद क्या करिए, जॉब करिए। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यू है तो
आप जॉब करिए एंड प्लस साथ में अपने डिग्री को भी परस्यू करते रहिए, जिससे क्या होगा आपको जॉब प्लस डिग्री हो जाएगी, आपको बीसीए के बाद एक्सपीरियंस भी हो जाएगा एंड आपको एमसीए कंप्लीट करने के बाद अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करने को मिल जाएगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने समझा कि ऑनलाइन एमसीए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप ऑनलाइन एमसीए परस्यू कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, आप अगर फुल टाइम में एमसीए कर सकते हैं तो आप फुल टाइम में ही जाइए, क्योंकि फुल टाइम की डिग्री जो है उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें आपको ज़्यादा कुछ मतलब स्किल्स तो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, बट जॉब के लिए जो लाइक मैंने कुछ कंपनीज बताई लाइक विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, ये सब ऑनलाइन डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो इन सब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यू है तो नो मैटर आप ऑनलाइन एमसीए कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आपके लिए बिल्कुल वर्थ इट होने वाला है अगर आपने स्किल्स डेवलप की है ऑनलाइन एमसीए में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने समझ लिया कि ऑनलाइन एमसीए आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पे बीसीए एमसीए से रिगार्डिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, सी, सी प्लस प्लस, इन सब के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।